कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन ब्रॉट टू यू बाय zameen.com हर पता हमें पता है पावर्ड बाय डॉल्फिन फ्रेश बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच अभी जो खत्म हुआ है सुपर 8 का जारी था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हमने मैच जब हम शाम वाला प्रोग्राम कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश का शायद चांस उस तरह से ना हो, बट थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि एक राइवलरी है थोड़ी सी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी। और हम देखते हैं कि बंगाली जो बैटर्स हैं और जो बॉलर्स हैं वो एक्स्ट्रा हमें जान मारते हुए नज़र आते हैं जब इंडिया के साथ उनका मैच होता है। तो इस मैच की सूरत हाल कुछ यूँ रही कि बांग्लादेश ने टॉस जीता था, उन्होंने ऑप्ट किया था फील्ड करना पहले। इंडिया ने बैटिंग करते हुए 196 रन्स बोर्ड पे लगाए थे, जिसमें शानदार 50 रन्स जो थे वो हार्दिक पांड्या के थे, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। बांग्लादेश की टीम जो है जवाब में 20 ओवर्स में सिर्फ 146 रन्स ही बना सकी। क्या कहना चाहिए कि कोशिश तो दिलेर नाथवा ने बहुत की, मुकाबला खूब किया लेकिन जाहिर है पास नहीं पहुंच सके। एक तो रन्स भी बहुत ज़्यादा थे और दूसरा हमें पता गया कि जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है बांग्लादेश की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंजी भाई, मैच आपने देखा, इंडिया की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लाइक ऑलवेज। जी, और हम पहले भी इस तरह बात कर रहे थे कि जी इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है लेकिन हम कुछ फाइट है ना देखने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ से आएगी। कुछ शुरू के ओवर में फाइट देखने में भी आई कि जी उन्होंने शुरू में इंडिया को इतना फ्रीली स्ट्रोक्स नहीं खेलने दिए या रन्स नहीं बनाने दिए, लेकिन इतने अच्छा जारहाना आगाज किया था। क्या कहते हैं कि 11 बल्लों पे 22 रन्स किए थे लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में आके पांड्या ने, इनकी स्ट्रेंथ है ना जो वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जी किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना जो मैंने अपने बड़े बड़े कप्तानों से सीखा है या खुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो ना उसकी लोअर ऑर्डर बैटिंग की है ना, आप है ना फाइट देखा करो कि वो कितनी फाइट करते हैं। तो ये टीम की स्ट्रेंथ बताती है कि कितनी है। और इंडिया की जो सी स्ट्रेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉप पे नहीं है लेकिन जो ये इनके 3 ऑलराउंडर्स हैं ना ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है स्पेशली पांड्या, ये बड़े ख़तरनाक है क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। आज भी अगर ये मैच कहीं 160-165 रन का होता तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश आपको और भी कुछ फाइट करता हुआ नजर आता, लेकिन जो 196 हुआ तो उस पर नहीं। और एज यूजुअल इंडिया की जो बॉलिंग थी और स्पेशली बुमराह, आज भी उसने 4 ओवर में 13 रन देके जिस तरह 2 आउट किए हैं, लेकिन 2 आउट तो बात एक तरफ है लेकिन उसने कहीं भी उनके बैट्समैनों को फ्री होने नहीं दिया, सांस भी नहीं लेने दी उसको। इकोनॉमी देखिए 3.25 की इकोनॉमी, 3.25। और ये एक वाहिद मैच नहीं है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से सलीम भाई जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे पिछले साल, हमने देखा था एशिया कप में उनकी वापसी हुई थी, जब वापसी हुई थी तब भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे वो, और अभी तक उन्होंने वो मेनटेन किया हुआ है। देखें, उसकी रीज़न ये है ना जो हम बार बार कहते हैं कि उसको उसकी फिटनेस का, उन्होंने बाकायदा उसको फर्स्ट क्लास खेलने को कहा था और उसने जाके फर्स्ट क्लास खेली थी और प्रूव किया था कि मैं फिट हूँ। जब आके वो खेला था, हमारे यहाँ जो हम शोर करते हैं कि हमारे लड़के जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, फिटनेस हम चेक ही नहीं करते, तो इसलिए हम उसमें मार खा रहे हैं। तो मेरा ख्याल बुमराह T20 में मेरा वाहद बॉलर है जो आखिरी ओवर्स में, मैंने कभी नहीं उसको देखा कि कभी उसको फ्रीली किसी भी बैट्समैन ने आके हिट आउट किया। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक तो वेरिएशन से बॉल करता है, प्लस ये यॉर्कर इसका अभी तक जितने भी आपने बॉलर्स देखे हैं, जितने भी टीमों में देख लें, इसका यॉर्कर बड़ा अच्छा है। और फिर इसका एक्शन थोड़ा सा डॉजी सा है, वो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है बैट्समैनों को। खूबसूरती ये है कि ये वेरिएशन से बॉलिंग करता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह से अच्छा बॉलर है ही कोई नहीं इस वक्त T20 में। अच्छा, हम ना बात कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कि वो लोग फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज आके जिस तरह से रोहित ने आगाज़ किया और फिर अगर हम विराट कोहली की भी इनिंग देखें तो उन्होंने 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, तो ये चीज़ शो करती है कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। हालांकि देखें, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये फॉर्म में वापस आने के लिए ये कोशिश करेंगे, मगर ये टीम के लिए खेलते हैं, इन्होंने आके फिर भी आप देखें कि वो अपनी गेम छोड़ी नहीं है। विराट ने देखें जो बड़ा, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको नो डाउट उसमें
कि वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। कई दफ़ा होता क्या है कि आप जब फंसे होते हैं ना, आपसे स्कोर नहीं हो रहा होता, तो आप ना आके अटैक करते हो। उसमें से भी कई दफ़ा ना अच्छे प्लेयर की ये भी कोशिश होती है कि वो उसमें से निकल जाएं। आज उसको मौका तो मिल गया था, 37 कर गया है, तो मे भी अगले मैच में कोई ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश। दूसरी बात जो इन्होंने की थी ना कि टीम देखें, टीम सिलेक्शन जो होती है ना, टीम सिलेक्शन वो बड़ा मैटर करती है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है, उसकी रीज़न ये है कि आप वर्ल्ड कप में कई दफ़ा देख लें, हम जो फाइनल हारे थे उसमें हमारा लोअर जो मिडल ऑर्डर था, मोइन, वसीम, ये नीचे से बड़ा अच्छा हम सेमीफाइनल तक हम स्कोर करते रहे थे। हमने मार कहाँ खाई थी, गिल्ली पिच आ गई, हम सारे एकदम फ्लॉप हुए, क्योंकि हर मैच में हमारे लोअर जो था ना मिडल ऑर्डर उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया था, क्योंकि वहाँ गीला विकेट था, मार खा गए। इनकी टीम अगर आप देखें, यहाँ पे गीला पिच था लॉर्ड्स में, अच्छा। जो याद नहीं कि वो 132 पे हम आउट हुए थे, तो वो गीला भी पिच ही था ना। खैर वो तो डिसीजन ही हमारा वो वैसा था, मगर उससे पहले इंजी हमारे लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन थे मोइन और वसीम नीचे से अच्छा स्कोर करते रहे थे, और एक महर रजाक करता रहा था, तो ये हमारी टीम निकल जाती रही थी उसमें से। इसी तरह इनकी टीम में अगर, अब हमारी टीम में वैसा कोई नहीं है नीचे जो आके बड़ी हिटें मारता हो। देखें ना इसका स्ट्राइक रेट देखो आप, हार्दिक पांड्या का 185 है जी। उस पोजीशन में जहां आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, आपको स्कोर चाहिए, तो जब तक आप सिलेक्शन में ऐसे प्लेयर टीम में नहीं होंगे जो आपको उस वक्त जब आपको ज़रूरत हो और वो उस वक्त करके दें, तो मेरे ख्याल ये इंडिया की सबसे बैलेंस्ड टीम इस वक्त आपको नज़र आ रही है। कि हमेशा जब आप देखें, पिछले कितने मैचेस हो गए हैं जो इनके ऊपर से स्कोर नहीं कर रहे, मगर नीचे वाला जो इनका मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर है ये उनको निकाल रहा है। अभी तक सबकी बारी आ रही है, हम देख रहे थे कि पिछले दो मैचेस में सूर्य कुमार यादव जो थे वो टीम को संभाल रहे थे, आज उन्होंने किया तो नीचे से शिवम दुबे ने कर दिया, हार्दिक पांड्या ने कर दिया, तो ये इनकी जो है ना, हमारी हमें भी इस चीज पे हम फिर अपनी टीम की तरफ बार बार आ जाते हैं। हमें भी जब भी कोई टीम की सिलेक्शन हो, चले इसको उस तरह ले जाते हैं अपनी टीम का, क्या बार बार कहना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि आपने जो सिलेक्शन करनी है वो बड़ी बैलेंस किस्म की हो। ठीक है स्लिम भाई, यहाँ इस अगर ये रोहित शर्मा और विराट अगर हमारी टीम में होते ना, इस टाइम बहुत ज़बरदस्त तनकीद का निशाने पे हो। वो तो वैसे उधर भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ इसलिए कि देखना ये इज ए टीम गेम। यही वाली बात है कि जी आप किसी दो प्लेयरों पर रिलाई नहीं कर सकते, जिस टाइम आप दो प्लेयरों पर रिलाई करते हैं ना, तो फिर आप है ना मैच जीत सकते, इवेंट नहीं जीतते। इसीलिए तो हम सिर्फ दो प्लेयरों की बातें करते रहते हैं, तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि दो प्लेयरों की हमारे पास बातें हैं। अब देना ये यहाँ स्कोर नहीं कर रहे सोफा, और ये स्टिल पहले राउंड में भी नंबर वन थी, अब भी नंबर वन चल रही है, इसलिए कि इनके जो दूसरे लोग हैं ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए टीम गेम है। क्योंकि जी नीचे वाले भी परफॉर्म करें तो सारे टाइम अगर आप विराट पे और रोहित शर्मा पे रहते ना, तो इस टीम ने भी बॉटम पे ही रहना था। 11 लोग हैं तो सबको परफॉर्म करना होगा। हार्दिक पांड्या ने आज यही कहा था, मैन ऑफ द मैच भी उन्होंने यही कहा था कि हम जो प्लान करके जा रहे हैं ना, हम उसको एग्जीक्यूट करके जाता, हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ग्राउंड में, ये भी इस टीम की कामयाबी का जो है वो एक राज हो सकता है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अगर सुपर 8 का ग्रुप 1 हम देखें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक ही मैच खेला है, इंडिया ने दो मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट है उनके और 2.425 का नेट रन रेट है, तो इंडिया का एक ही मैच बचा है जो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली तो कोई भी टीम अभी किसी ने थ्रू नहीं किया है और ना ही कोई बाहर हुई है, लेकिन लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो शायद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक ही मैच बाकी है इंडिया का जो कि तगड़ी टीम से है, ऑस्ट्रेलिया से, और बड़ा मज़ा आता है जब दोनों ये टीम्स मध्य मुकाबले होती हैं। इंजी भाई, अभी ब्रेक में आप एक बात कर रहे थे कि हम अपने दो प्लेयर्स की बात करते रहते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली जिसे हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है, तो वो कॉन्फिडेंस वाली जो बात आपने की ना कि वो इसलिए दिखता है कि उनको पता है नीचे से हमारे ऐसे बैटर्स हैं। मैं चाहूँगी आप ज़रा उस स्क्रीन पर भी बताएं ताकि लोगों को पता चले कि क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्यों इतना प्रेशर नहीं होता उन लोगों पर। नहीं बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर जिस तरह अब ये 6 मैचों से ये आज इनकी सारों से बेहतर परफॉर्मेंस देखने में आई है, जो 37 रन्स पे विराट की और 23 रन्स पे रोहित शर्मा की है, ठीक है ना, और वो तेज़ खेल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जी इनको पता है कि जी पीछे से संभालने वाले बहुत हैं। अब हमारे पास मसला सारा ये है कि अगर ऊपर से हमारे दो आउट हो जाएँ
तो हमें मुसीबत पड़ती है कि जी हमें ना नीचे से कोई स्कोर करके नहीं देता, क्योंकि जी कहीं भी हमें ना फॉल ही नहीं करते, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये इंडिया की टीम इसलिए बेहतर है क्योंकि जी ये टीम एज ए टीम खेलती है, एज ए इंडिविजुअल नहीं खेलती, क्योंकि ये सारा जोर विराट पे नहीं रखते, क्योंकि जी विराट पे है या रोहित शर्मा स्कोर करेगा, दूसरे प्लेयर भी स्कोर करते हैं। तो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ सिर्फ ये है क्योंकि जी बाबर आजम 20 ओवर खेल ले, रिजवान 20 ओवर खेल ले, हालांकि दोनों जो प्लेयर हैं मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद इनको क्रीज पे नहीं होना चाहिए, 10 ओवर के बाद है ना दूसरे प्लेयर्स को टेक चार्ज लेना चाहिए। ओपनर का खेल दूसरा है और 10 ओवरों के बाद 14 ओवरों के बाद हिटर का है जी। अब जिस तरह यहाँ आज भी आए थे ना, अगर विराट 14 ओवरों के बाद खेल रहा होता तो जितना ये पांड्या इफेक्टिव था इतना विराट ने इफेक्टिव नहीं होना था। तो दूसरे वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लेयर इफेक्टिव है, अगर आप एक ही प्लेयर को ओपनर भी चलाओगे, मिडिल ऑर्डर भी चलाओगे, हिटर भी चलाओगे ना, तो उसने नहीं चलना। हमें तो हर एक बंदे की ना एक सिचुएशन पोजिशन है, तो हमें मुसीबत ये पड़ रही है कि हम है ना दो प्लेयरों से तवक्को करते कि तुम सारा कुछ करके दो, दो बॉलरों से तवक्को करते हैं, तो और ये सही नहीं है। और दूसरी बात जो आप सारों से ज़्यादा आपने बात कही है कि हमारी सिलेक्शन है ना वो सही नहीं कर सके हम, क्योंकि जी अगर कोई आदमी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बेशक वो अच्छा प्लेयर है, अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा तो अगर आपके पास उसकी स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ है उसकी, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए, एटलीस्ट आपको चांस लेना चाहिए। हमने एक तो हमारी सिलेक्शन सही नहीं थी, उसके बाद भी जो सिलेक्शन की थी तो हमारे पास बेंच पे लोग थे, हमने उनको ट्राई नहीं किया, हमने चांस ही नहीं लिया डर के मारे। तो थोड़ा सा हमें ना ओपन होना चाहिए था, थोड़े से डिसीजन लेना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि हमने डिसीजन नहीं लिया, तो और दूसरी चीज़ ये कि हम इंडिविजुअल्स पे खेलते हैं, एज ए टीम नहीं खेलते। जब तक एज ए टीम नहीं खेलेंगे इवेंट नहीं जीत सकेंगे। इन जी ये जैसे आपने बात की है कि विराट और शर्मा जो हैं ये 10 ओवर के बाद हमारे ओपनर्स को नहीं होना चाहिए जी, पर इन जी मुझे ये मुझे समझ नहीं आती, क्या ये विराट और शर्मा जैसे आगे अटैक करते हैं हमारी टीम में तो पावर प्ले का हम फ़ायदा ही नहीं उठाते यार। सलीम भाई पावर प्ले का फ़ायदा इसलिए नहीं उठाते ना, आप मैंने ये जिस टाइम मैं जलमी के साथ था ना, बाबर जलमी में ही था और ये दूसरे क्योंकि जी पूरे ओवर, मैंने कहा कि पूरे ओवर खेलने का इसका काम ही नहीं है, आप क्यों कह रहे हो पूरे ओवर खेल ले, आप उसकी ड्यूटी ये लगाओ क्योंकि जो टीम प्लान है जी। टीम प्लान में वो आपको 10 ओवर तक नजर आ रहा है, 10 ओवर के बाद नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो और उसकी ये है कि 10 ओवर में जिस दिन आप मेरे से भी कहोगे क्योंकि यार इंजमाम तूने 20 ओवर खेलने हैं, तो मैं फिर 20 ओवर की प्लानिंग करूंगा, मैं जाके छक्के चौके नहीं मारूंगा, मैं सेफ शॉट्स खेल लूंगा। तो हमें थोड़ा सा इस चीज को प्लान करना चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि बाबर 20 ओवर खेल ले या रिजवान 20 ओवर खेल ले। असल चीज ये है इंजी कि हमारे यहाँ हम जाके 20 ओवर क्यों खेलते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले ओवर्स इतने स्लो खेले होते हैं, फिर नीचे से हम अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि लंबा खेलूँ मैं तो बीच में एक दो छक्के लगे और मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो। ये चीज़ जो है ना, ये कोच और जो इंजी बात कर रहे हैं ना, बड़ी समझने वाली बात है कि वहाँ जो प्लेयर जो ऊपर जाते हैं ना उनको फिर वो पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हम नहीं उठाते। हम आप देखो अक्सर हमारे 30-35 स्कोर होते हैं, एक आध आउट हो गया होता है और हम फंस जाते हैं। मैं मगर शर्मा वगैरह इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये जाते ही अटैक करते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो रिजवान के और बाबर के स्टैट्स हैं, 6 ओवर में इनका स्ट्राइक रेट बेहतर है बाद के ओवर्स में, जिस तरह ये क्योंकि ये रोलिंग खेलते हैं ना, जिस तरह ही फील्डिंग खुलती है ना इनका ड्रॉप हो जाता है नीचे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है रन करना। हम पता चलता है कि जी 6 ओवर में 50 है ना, तो जिस टाइम 10 ओवर होते हैं ना तो पता चलता है हमारा स्कोर 78 है। हाँ जी इतना ठीक है ना, एकदम वो जो 7, 7.5 या 8 रन का एवरेज चल रहा होता है ना वो 6 पे आ जाता है। तो इंजी ये फिर किसको रियलाइज करने की, ये उनको खुद को करनी चाहिए ना। सलीम भाई अब हम उनको हम नहीं हम ऐसे नहीं नहीं हम प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लानिंग का मैं जी। अब मसला सारा ये है कि आप जो सारी चीज़ों को ले रहे हो, अगर एक आदमी आपकी मुसलसल चीज़ पे अमल नहीं हो रहा तो फिर मैनेजमेंट किधर है। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। अगर जिस तरह गैरी कर्स्टन ने आके बयान दिया है
क्योंकि जी प्लान पे अमल नहीं करते। अगर कोई प्लेयर प्लान पे अमल नहीं करता, ये वाली बात हमें गैरी कस्टन की आज तो अच्छी लगी है क्योंकि सिर्फ उसको महीना हुआ है, अगर ये बात वो साल के बाद करेगा ना तो फिर नहीं हमने सुननी, फिर तो उसकी जिम्मेदारी है, फिर उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मगर इनजी बात ये है कि यहाँ तो पूरी की पूरी टीम कुछ नहीं कर रही ना, जो आप बात कर रहे हो कि बाकियों का स्ट्राइक रेट भी वैसे ही है, हमारे तो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम सिलेक्शन ही ठीक नहीं करते। जी जी, असल चीज जो है ना वो उस पे हम बात में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारे अगर ओपनर्स आउट हो जाए ना तो हमें अक्सर औकात ये भी फिक्र पड़ जाती है कि हम पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे कि नहीं, तो ये गलती किसकी है फिर, ये सिलेक्शन की गलती है। मैं तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जब टीम ही सिर्फ चार पांच दो बंदों की सिलेक्ट करके लेके जाते हैं और बाकी कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद फरमा आगे ले, तो फिर आप सिलेक्शन ठीक करें ना। ठीक है, इतने सालों से हमारा यही हाल है और हम फिर उन्हीं को रिपीट किए जाते हैं, हम उन्हीं प्लेयर्स को खिलाए जाते हैं, तो गलती किसकी है। ये रोहित शर्मा और विराट स्कोर नहीं कर रहे, यहाँ इंडिया दो मैच हारी होती ना चार में से तो आप देखते कि जी फिर क्या सूरत हाल होनी थी। तो आप इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये टीम गेम इसलिए है कि हम टीम गेम इस तरह करते थे कि अगर बॉलर से बुरा हो गया ना तो बैट्समैन कोशिश करते थे कि उसको कवर करें, बैट्समैनों से बुरा हो गया तो बॉलर कवर करे, टीम गेम है। ऊपर वालों से स्कोर नहीं हुआ नीचे वाले मैनेज करें, बास टाइम नीचे वालों से नहीं होता दूसरे लोग इसको मैनेज करें, आप मैनेज ही नहीं कहीं हो रहे हमारे से। हम मसला सारा ये है कि हमारे दो ओपनर्स का इस टाइम मसला नहीं आ रहा, हमारा तो 6 नंबर तक मसला आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 11 तक आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो फिर बॉलिंग आ जाती है ना, अभी सिर्फ बैटिंग पे फोकस है तो बॉलिंग में भी तो आ रहा है। आप ये देख लो ना कि हमें सलीम भाई कितना एक इश्यू होगा कि हम शहदाब को बॉलर के तौर पे लेके गए थे, हमने उसे एज ए बैट्समैन हमें खिला रहे हैं, तो सोच लो ना कि हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। मैंने जी तुम्हें कहा था ये बैट्समैन खेलेगा, आपने खैर पहले से कह रहे थे ये बैट्समैन ही है, पहले मैच में कहा था और वैसा ही हुआ, लेकिन हकीकत तो ये सामने है ना, तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कोई इसमें। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम अगर इजाजत हो तो। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इंजी भाई सिलेक्टर भी रहे हुए हैं, इनको काफ़ी सारे लड़कों का पता भी है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए भी और मेरी नॉलेज के लिए भी, इंजी भाई क्या लगता है कि अभी तो आप कहते हैं ना कि सिलेक्शन हुई नहीं, जो भी अवेलेबल लड़के थे आप सबको ही ले गए, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लड़कियाँ हैं, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है बहुत अरसे से चल रहा है, क्या लगता है कि कौन लड़के जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं टीम में? भाई देखिए, आपने जिन लड़कों ने आपको परफॉर्मेंस दी है जिस तरह आगा सलमान गैरत थे, आप देखिए जिस टाइम मैंने टीम सेलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है, एक आप ब्रैकेट बनाते हैं ओपनर्स की, ठीक है, एक ब्रैकेट होती है आपकी मिडिल ऑर्डर की, एक ब्रैकेट फिर आपकी होती है स्पिनर और फास्ट बॉलर्स की, विकेट कीपर की, ऑलराउंडर की, आपने तो कोई ब्रैकेट बनाई नहीं। आप अपने आखिरी तीन मैच देख लें, आपने पांचों ओपनर खिलाए जा रहे हैं जी, शदाब को आप बैट्समैन खिलाए जा रहे हैं जी मिडिल ऑर्डर करके, उनको किसी और ब्रैकेट में डाल दिया, तो किसी और चक्कर में आपने उसको डाल दिया है। आप थोड़ा सा अगर आप देखते ना टीम को बनाते जी, हमारी हारने की जो बड़ी वजह थी कि हमारी सिलेक्शन ही सही नहीं हुई, ठीक है जी। तो और ये मैं एक अमेरिकन जासूस था एक, तो वो है ना सारी ज़िंदगी पकड़ा नहीं गया, दूसरे मुल्क में काम करता रहा, सो कोई बात ज़रा मजाक में ही ले सारे सीरियस ना ले, तो वो करता रहा, तो उससे किसी ने पूछा बाद में रिटायरमेंट होगी, उसने कहा कि तू पकड़ा नहीं गया क्या करता था, उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करता था, कोई गलत काम नहीं करता था, बस जो पोस्ट होती थी ना उस पर गलत बंदा रखता था सिर्फ एक काम करता था बस, सिर्फ गलत बंदा। अब यहाँ असल में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या कहना चाह रहे हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, लोग समझ गए हैं। अच्छा मुझे, मैं थोड़ा इंजी का आप थोड़ा कहना चाह रहे हैं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन हुई थी ना जी, इसमें आप देखें, आपने कभी किसी ने इस पे गौर किया कि जो हम सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं जो लड़के जो जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या थी? किसी ने पिछले चार सीरीज में 100
टोटल नहीं था। तो आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए आपने उनको सिलेक्ट किस बेस पे किया? कोई तो किन से पूछे, चलो हम इधर बैठ के कलब रहे हैं, कोई तो बंदा इनसे पूछे बैठ के, अल्लाह के बंदे ये जो तूने टीम सिलेक्ट की है पिछले 4 सीरीज में इनका किसी का 100 टोटल नहीं है, आपने किस तरह इनको सिलेक्ट किया? ये तो कोई पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो ये पूछे ना इनको बिठा के, ये जर्नलिस्ट जो हैं, ये जो 150 करता है तो शोर इतना मच जाता है कि इसको पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए, उनको उनको वो तो कोई, मैं तो किसी अखबार में नहीं देख रहा कि पूछ रहा हो कि यार ये 5 बंदे हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, या ये सिलेक्शन हुई है, 5 ओपनर गए हैं, 3 विकेट कीपर गए हैं, मिडिल ऑर्डर कोई नहीं गया, इनका कोई तो इनसे सवाल करे? कोई बंदा ये नहीं पूछ रहा इनको, सब प्लेज एक दो प्लेज के पीछे पड़े हुए हैं, रिजवान बाबर रिजवान बाबर, सुबह उठते हैं नमाज पढ़ने के बाद रिजवान बाबर रिजवान बाबर, और बाकी जो सिलेक्शन हुई है उनका भी तो पूछे कि भाई इन 6-7 लड़कों ने किसी ने 100 स्कोर नहीं किया, 4 सीरीज से आपने इनको किस बेस पे सिलेक्ट किया? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हमारी सिलेक्शन जो है ना वही इस दफ़ा सही नहीं थी, तो परफॉर्मेंस आपने क्या ही एक्सपेक्ट करनी थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चटपटी खबर आती है जो कि हमारे लिए तो परेशानी का बायस भी होती है। आज भी एक ऐसी जो है खबर आई है वो ये है कि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट जो है वो बहुत अहम होने वाली है, और बोर्ड ने जो अभी तक कोई फैसला नहीं किया है इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे या जो भी बातें हो रही थी उस पर अगर तक अभी जो फैसला नहीं हो पाया है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि अभी तक जो हेड कोच है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पेश नहीं की है। ज़राया ने ये भी कहा है कि बहाब रियाज की भी जो रिपोर्ट है उसका भी इंतज़ार है, तो ये दोनों रिपोर्ट्स जब आएंगी तभी कोई फैसले होंगे, और इन फैसलों का जब ऐलान किया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले और कुछ की कैटेगरीज चेंज हों। अब ये कहना बहुत आसान है सलीम भाई, इंजी भाई, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट ईयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमने डिस्कशन भी की है अपने प्रोग्राम में कि काफ़ी सारे मसाइल थे और बहुत देर के बाद जाके साइन हुआ था, तो अगर अब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर तो लगता है अगले साल जाके साइन होगा। ये जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं हो सकता है कि वो रिपोर्ट ये देंगे कि सिलेक्शन सही नहीं हुई, बहाब रियाज ये कह दें, मैं तो अपने खिलाफ रिपोर्ट दे देंगे, मैं तो सीनियर मैनेजर की बात कर रहा हूँ, बहाब रियाज है। सो ये हो सकता है कि ये रिपोर्ट आए, क्योंकि वैसे सबसे पहले तो यही रिपोर्ट आनी चाहिए उनकी तरफ से, ये वाली रिपोर्ट आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड को अगर आप किसी को कोच लेके आए हैं और अगर वो कोई सजेशन दे रहा है उस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए, और अगर गैरी क्रिस्टन, अगर देखो आप जिस टाइम कोच, आप किसी को कुछ बनाते हो ना, ठीक है जी, आपने किसी को कोच बनाया तो फिर आप उसको अथॉरिटी भी दें ताकि वो फिर कुछ अपने प्लान्स है ना वो इम्प्लीमेंट कर सके। अगर ऐसा ना हो कि जी वो आप कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है जी, वो साल 2 साल रहे तो वो भी जाके चला जाए वापसी, फ़ायदा ना हो। तो गैरी क्रिस्टन की अब ये तो हर रोज़ एक नई रिपोर्ट आ रही है, ठीक है जी, अभी तक है ना ऑफिशियल, ये तो खबरें हैं, हाँ, खबरें हैं, लेकिन बहरहाल ये वाली बात ये है कि जी अगर गैरी क्रिस्टन को कोई तहफ़ुज़ात है या वो कुछ चीज़ें करना चाह रहा है या वो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो उसके पास इतनी पावर ज़रूर होनी चाहिए कि जी वो कर सके, क्योंकि आप उसको लेके आए हो स्पेशली यहाँ सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो ज़रूर कर सके टीम में। तो हम सारे भी ये चाहते हैं टीम में बेहतरी आए, और ज़रूर रहेगी कि जी सीनियर मैनेजर की भी रिपोर्ट देखें और सारी चीज़ों को देखें कि जी क्या है। तो मेरे ख्याल में इससे डेफिनेटली अगर बोर्ड बैठ के ठंडे दिमाग से सोचेगा, कोई सही फैसले करेगा, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा टीम। बड़ा ज़रूरी है ना सलीम भाई, अब अगले साल हमने चैम्पियंस ट्रॉफी करानी है पाकिस्तान में और उसका स्केड्यूल भी आ गया, उम्मीदें होती हैं फैंस की, फिर फैंस नाराज़ भी होते हैं इस टीम से, और हक बनता है जब आप एक टीम को इतना सपोर्ट करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस इस तरह की रहेगी, आपको उनका बिहेवियर कैजुअल लगा, तो हम लोग हैं जज्बाती, नाराज़ होते हैं लोग, तो ये चीज़ें सही करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, और टाइम भी नहीं है इतना हमारे पास। क्या चीज़ें ठीक करने वाली, टीम ठीक करने का, मैनेजमेंट ठीक करने का, ये मतलब इससे ख़राब क्या हो सकता है जो अब ख़राब हुआ है? देखिए रिपोर्ट तो आ रही है ना जी, जिन जिन चीज़ों को ठीक करना है वही रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी? चीज़ें तो ठीक, अब डिसीजन जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेजर सर्जरी होनी है, हम तो उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने अखबारों में या इधर उधर टीवी से सुन के न्यूज़ है, तो मेरे ख्याल जितनी देर उनका कोई डिसीजन नहीं आता हम यूँ हैं कि हम
क्योंकि ऐसे ही कोई ऐसा कमेंट कर दें जो अच्छा ना हो, तो मेरे ख्याल में कि उसका वेट करना चाहिए कि क्या डिसीजन आते हैं। इनकी रिपोर्ट जरूर देखनी है क्योंकि ये कोई ये नई चीज़ नहीं होनी। हाँ। जो मैनेजमेंट साथ गई होती है ना, कोच मैनेजर सीनियर मैनेजर दो तीन एक ही, वो रिपोर्ट उनकी आनी है तो वो रिपोर्ट आ ले। आपकी रिपोर्ट से मुझे याद है प्रोफेसर हफीज की रिपोर्ट अभी तक आ रही है, वो रोज कोई ना कोई खबर आ रही होती है ना जब वो 30 दिन साथ थे। एक माह के अंदर पता नहीं 50 दिन की रिपोर्ट दे दी है जी। मगर बात ये है कि रिपोर्ट आती है, सबकी आएगी, तो जब रिपोर्ट आएगी और ये डिसीजन लेंगे उसके बाद आपको हम कोई बात कर सकते हैं, उसके अलावा मुश्किल है कमेंट। अच्छा एक ये भी रिपोर्ट है कि जब ये फैसले किए जाएंगे, क्योंकि होने तो हैं, अब लग तो यही रहा है जो चीजें बाहर आ रही हैं उससे, हम बात कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रद्दोबदल हो सकते हैं इस परफॉर्मेंस के बाद, उस पर हमने बात की। लेकिन एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जब ये फैसले हो जाएंगे तो इस पर रिएक्शन क्या आ सकता है, क्योंकि हमने पिछले साल इस तरह का एक रिएक्शन देखा है जहाँ पे प्लेयर्स की और बोर्ड की किसी एक बात पे नहीं बन रही थी तो बहुत टाइम लग गया था कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कराने में। इंजी भाई ने जो है वो मुसालत कराई थी और वहाँ पे फैसले जो थे फिर माने गए थे एक दूसरे के और फिर जाके साइन हुए थे कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी जब टीम जो थी वो टूर पे थी, खेल रही थी और जाना था आपको वर्ल्ड कप खेलने और उस रात जाके वो साइन हुआ था। तो ये सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। अब अगर हम इस मरीज की बात करें कि आपकी जो है वो डिमोट किया जा सकता है आपकी कैटेगरी को, तो फिर जो रिएक्शन आ सकता है वो खबर ये है कि खिलाड़ी जो है वो इनकार भी कर सकते हैं कि हमने लेना ही नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हम अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी खेलेंगे। तो बिल्कुल कर सकते हैं इनकार, देखें ना अगर अगर उनकी मर्जी का नहीं होएगा तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो इसलिए इनकार करेंगे कि फिर वो जाके क्रिकेट बोर्ड के वो लीगें जाके खेलेंगे। हाँ। क्योंकि उनको यहाँ से जो पैसा मिलता है वो वहाँ से जाके कमाएंगे। उसको रोकने का तरीका जो है, अगर आप नहीं मानते तो उसका बेस्ट हल है कि आप फिर फर्स्ट क्लास पे आप इम्फेसाइज करें। अगर जो बंदा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, लेकिन ये उस दिन भी कहा था कि चिस्पा होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता वो फिर पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अगर आप ये नहीं करेंगे ठीक है, तो फिर आप क्रिकेटर्स को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उनको तो फायदा है कि वो जाके छह लीगें खेल लेंगे। जी सलीम भाई, थोड़े दिनों पहले ना उसने भी दिया था, ये न्यूजीलैंड का कप्तान कौन था, हमने कहा था बड़ा अच्छा, आप सारों ने बड़ी तारीफ की थी, देखो इसने क्या डिसीजन लिया। नहीं उस दिन भी आपने क्लियर किया था ये तो बात। मैंने कहा था कि ये वाला डिसीजन अगर जरा पाकिस्तान में होने तो फिर देखो किस तरह का इतना अच्छा डिसीजन है। अब देखो ये वाली बात है, सच है झूठ है अभी तो ये खबर है। हाँ जी अभी तो खबर है। दूसरी चीज ये की वेस्ट इंडीज वालों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उन्होंने प्लेयर्स को फ्री कर दिया क्योंकि जो दस्तियाब हो वो बता दे, हमें जरूरत होगी तो हम खिला लेंगे। ठीक है, तो अब आप अपना जो नेक्स्ट माइंड है ना वो इस चीज का बनाए कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, प्लेयर आजाद होंगे, जिस तरह फुटबॉल है ना, अब याली आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं आ रही कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई जी नई आ गई कोई चीज, ये दूसरी जगहों पे कंट्रीज में याली बात चल रही है। इंडिया ने अभी तक अपने प्लेयर्स को रोक सिर्फ इसलिए रखा है वो आईपीएल की शक्ल में उनको इतना एक पैसा दे देते हैं या उनका बोर्ड उनको इतना पैसा दे देता है कि जी वो कहते हैं अगर वहां जाओगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ रहे। और वैसे तो, भी तो इंजी भाई वो रिचेस्ट बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है, तो अभी ये होना है। अभी अगर आप ये कहोगे कि जी आप अपने प्लेयर्स को देखो ये जो ऊपर नीचे है ना कॉन्ट्रैक्ट के जी बिल फर्ज के जी हम कहेंगे जी रिजवान है, रिजवान को बी कैटेगरी में लेके जाओ, ये तो ऑप्शन बोर्ड के पास हर दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये परफॉर्मेंस बेस है। अगर आपकी पूरे साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये तो बोर्ड के पास राइट है कि जी वो उसको बी में भेजे। क्या ये ज्यादती नहीं कि पाकिस्तान के नाम पे आपका नाम बनता है और आप ए, जब आपका नाम बन जाता है तो आप कहते हैं कि अब मैं जहां मैं आजाद। सवाल बड़ा अच्छा है सलीम भाई आपका, पर टाइम नहीं है जवाब देने का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमारा साथ देने का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।